शहर में एक तरफ कोरोना महामारी से लोग हैरान हैं, परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि से शहर के नागरिकों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। शहर के युवा सेना के अध्यक्ष हितेश यादव और सचिव फंदे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर सवार होकर बढ़ते पेट्रोल के दामों का विरोध कर आंदोलन किया। युवा सेना जिला अध्यक्ष हितेश यादव व जिला सचिव धीरज फंदी के नेतृत्व में नागपुर लोकसभा युवा सेना की ओर से पेट्रोल व डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में गंगाबाई घाट चौक से रैली निकालकर शहर को गश्त लगाते हुए केंद्र सरकार के बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ साइकिल चलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल मूल्य वृद्धि होने से शहर के नागरिकों में असंतोष फैला हुआ है। एक ओर शहर की जनता कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं बढ़ते पेट्रोल मूल्य वृद्धि को लेकर शहर के लोगों में रोष व्याप्त है। लूटने वालों को, लूटने वालों को, जनता के जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, बोले मोदी के राखे, सभी दारू महंगा थे, बोले मोदी के राखे, सभी दारू महंगा थे। यदि पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग साइकिल पर सवार होकर अपने अपने कामकाज करेंगे और इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ नागरिकों का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस ओर केंद्र सरकार ध्यान दे, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।